पहले रूस और यूक्रेन के बीच शांति दूत बनना चाहते थे एलन मस्क, पर अब चाइना ताइवान के बीच शांति दूत बनना चाहते हैं। दोनों दुश्मनों के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एशिया में भारत ने आखिरकार बाजी मार ली। जानेंगे भारत ने ताबड़तोड़ रिकॉर्ड कैसे स्थापित कर लिया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क पिछले हफ्ते यूक्रेन और रूस के बीच एक शांति समझौता लेकर आए थे, और ये शांति समझौता ऐसा था कि गाली गलौज तक में उतर आया था। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी जमकर आलोचना की थी, कई लोगों ने बहुत सारी चीजें कह दी थी, लेकिन लगता है इन दिनों एलन मस्क पर शांति दूत बनने का भूत चढ़ गया है। अब उन्होंने चीन और ताइवान के बीच शांति स्थापित करने का एक अपना प्रपोजल रख दिया है। अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने पिछले हफ्ते कहा था कि यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में पूर्वी यूक्रेन के 4 राज्यों में जनमत संग्रह कराना चाहिए जिस पर रूस का कब्जा है। एलन मस्क के इस बयान को लेकर यूक्रेन भड़क गया, और एक यूक्रेनी राजदूत ने तो ट्विटर पर एलन मस्क को गाली भी दे दी। लेकिन लगता है इन बातों से मस्क को फर्क नहीं पड़ता है, लिहाजा उन्होंने अपने चीन ताइवान विवाद पर शांति समझौता करने के लिए एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। लेकिन एलन मस्क ने जो प्रस्ताव रखा है उससे चीन काफी खुश होगा और ताइवान में उसका विरोध किया जाएगा। एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ताइवान को तनाव को कम करने के लिए ताइवान का कुछ कंट्रोल चीन को दे देना चाहिए जिससे इस विवाद को हल किया जा सके। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में एलन मस्क ने बताया कि मेरी सिफारिश होगी कि ताइवान के लिए एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र का पता लगाना होगा जो उचित रूप से अच्छा हो। हालांकि ये शायद सभी को खुश नहीं करेगा। आपको बता दें, एलन मस्क ने ये टिप्पणी उस सवाल पर किया जब उनसे चीन के बारे में सवाल किया गया कि जहां उनकी कार कंपनी टेस्ला का सबसे बड़ा कारोबार है और चीन के सबसे बड़े औद्योगिक शहर संघाई में एलन मस्क की कार कंपनी टेस्ला की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। माना जा रहा है कि एलन मस्क की ये टिप्पणी चीन को खुश करने के लिए है और अमेरिका की नीति से एकदम उलट है, क्योंकि इन्होंने जो कमेंट किया है उस कमेंट का सीधा मतलब है कि ताइवान अपना कंट्रोल चीन को दे दे। चीन ताइवान पर तो वैसे ही दावा करता है, ताइवान भी उसका एक प्रांत है। इस चीज को चीन कई बार कहता है। चीन ने तो कसम खा रखी है कि ताइवान को अपनी मुख्य भूमि से मिलाएगा। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग भी कह चुके हैं कि ताइवान के खिलाफ सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। और आपको बता दें, ताइवान की सरकार ये कहती है कि नहीं, द्वीप में जो रह रहे हैं 2,30,00,000 लोग, उनके पास अधिकार है कि वो क्या करें और क्या ना करें। ऐसे आपको बता दें, एलन मस्क यहाँ हांगकांग की तरह ताइवान को बनाना चाहते हैं। उनका प्रस्ताव कुछ ऐसा ही है, पर उन्होंने बस यही कह दिया है कि आप थोड़ा ज्यादा छूट दे दो ताइवान को। वहीं मस्क ने ये बात भी कह दिया है कि चीन ने पहले ही मस्क के साथ ये बात कर ली है कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा तुम ताइवान में नहीं देखोगे। आपको बता दें, स्टारलिंक बहुत ज्यादा फेमस हुआ था तब जब रूस यूक्रेन की लड़ाई में एलन मस्क ने स्टारलिंक के डिवाइस पहुंचा दिए ताकि कनेक्शन बंद न हो। वैसे ही ईरान में जो प्रदर्शन चल रहा था वहां पर भी स्टारलिंक देने की बात हुई, जिसके बाद चीन ने भी एक्शन लेते हुए एलन मस्क से इस बात को कहा कि आप यहां स्टारलिंक की सेवा नहीं दोगे। वैसे आपको बता दें, ये लोग हैं व्यापारी, एप्पल हो या फिर टेस्ला हो, ये व्यापारी अपना लॉस भी देखते हैं। अब बहुत बड़ी कंपनी है इनकी, और सबसे बड़ी बात ये है कि टेस्ला हो या एप्पल हो, जो सेमीकंडक्टर आता है वो ताइवान से आता है। अब ऐसे में ये जिस देश में है, जिस देश का मैन पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, उस देश की ही बात मानेंगे। यही वजह है कि अमेरिका की नीतियों के खिलाफ एलन मस्क हो, एप्पल हो, ये सिर्फ अपना व्यापार देख रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने पूरे एशिया में धमाका मचा दिया है, और इस धमाके को सिप्री ने बिल्कुल सपोर्ट कर दिया है। और आपको बता दें, सिप्री की इस रिपोर्ट से सबसे ज्यादा जलेगा भुनेगा वो है हथियारों के मार्केट का बादशाह, यानी कि अमेरिका, पश्चिमी देश।
आपको याद होगा भारत ने जब ये घोषणा की थी कि वो आत्मनिर्भर प्लान के तहत अपने हथियारों को बनाएगा, तब कई तरह की रिपोर्टें सामने आने लगी थी। आपको वो आर्टिकल भी याद होगा जिसमें ये कहा जाने लगा कि मोदी सरकार की इस निर्णय की वजह से अपने सेना में बहुत सारे हथियारों की कमी हो रही है और हथियारों की ये कमी होना अच्छी बात नहीं है, सेना कमजोर होगी। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि युद्ध में वही लंबे समय तक टिक पाता है जिसके अपने देश में हथियार होते हैं। दूसरे देशों के हथियार पर कोई भी बड़े युद्ध को नहीं जीता जा सकता है। अब जरा आप सोचिए, युद्ध में गोला बारूद खत्म हो रहे हैं, आप किसी दूसरे देश से खरीदते हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, वो देश आप तक पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, या बीच में किसी और देश की कूटनीति का शिकार हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके फैसले को प्रभावित करेंगी। लंबी जंग कभी भी नहीं लड़ी जा सकती है किसी दूसरे देश के हथियार पर, और ये बात चाइना बहुत पहले समझ गया था। इसलिए चाइना ने अपने ही देश में चाहे वो हथियार कैसे भी हो बनाना शुरू कर दिया, डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया, कॉपी करना शुरू कर दिया, कुछ भी किया लेकिन अपने ही देश में बनाना शुरू कर दिया। और आज स्थिति बदल गई है चाइना की। चाइना हथियारों को बना भी रहा है और दुनिया भर में बेच भी रहा है। अब जरा इस लिस्ट को देखें आप, एशिया के खास देशों को देखें, चाइना की बात करें तो चाइना में एक समय था जब रूस 77% हथियार देता था भारत में। अब इस रिपोर्ट को देखें, इस रिपोर्ट को सिप्री ने मार्च के महीने में जारी किया था, और इस मार्च के महीने के अनुसार ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका देता है 69% हथियार, चाइना को 77%, भारत को रूस देता है 54%, इंडोनेशिया को 23%। उसी तरीके से जापान में अमेरिकी हथियारों का भरमार है और ये जापान को मिलता है 97%। उसी तरीके से साउथ कोरिया अमेरिकी हथियार, मलेशिया में स्पेन के हथियार, पाकिस्तान में चाइना के हथियार भरे पड़े हैं, सिंगापुर में फ्रांस के हथियार, ताइवान में तो 100% अमेरिका के ही हथियार हैं, थाईलैंड में साउथ कोरिया के 25% हैं, वियतनाम में रूस के 66% हथियार हैं। खास तौर पर हिंद महासागर क्षेत्र के करीब 12 देशों को देखा गया, और 12 देशों जिनके पास बड़ी सेना है और ये बड़ा खर्चा करते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम। जब इनकी स्टडी की गई और सिप्री ने ये रिपोर्ट निकाली तो सिप्री ने ये कहा कि इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत ने चौथा पोजीशन हासिल कर लिया है अपने हथियार को बनाने के मामले में, यानी आत्मनिर्भर प्लान में भारत को चौथा पोजीशन मिला है। चाइना टॉप में है, जापान दूसरे नंबर पे है, साउथ कोरिया तीसरे नंबर पे है, भारत चौथे नंबर पे है। भारत अब न सिर्फ आत्मनिर्भर प्लान के तहत रूस से या किसी भी देश से हथियारों की खरीद कम कर रहा है, बल्कि अब दुनिया भर के देशों में बेचने के लिए भी आगे बढ़ रहा है। इस हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत 8 देशों को पछाड़ चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है या नहीं, कमेंट कर जरूर बताएं।